कहते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार किस्मत उसका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है, यानी हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हमारा भाग्य हमारा सबसे ज़्यादा साथ देता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में आपका जो भाग्योदय है वो एक बार की जगह कई बार हो? तो आज का विषय इसी बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में भाग्य भाव को देखकर ये कैसे पता लगाएं कि हमारे जीवन में वो कौन कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पे हमारी किस्मत हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसको कहते हैं भाग्योदय वर्ष। आज का टॉपिक शुरू हो उससे पहले आपसे एक घटना शेयर करना चाहता हूँ, ज़रूरी है इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनकी जन्म कुंडली का अध्ययन मैंने किया था। उनका एक मेडिकल स्टोर था और उन्होंने बताया कि सर, मेडिकल स्टोर में मेरी ज़्यादा सेविंग वगैरह नहीं होती और उस समय वो थोड़ा कर्ज वगैरह में भी थे। तो उन्होंने बताया कि सर, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं सोच रहा हूँ इस काम को चेंज कर दूं। तो उनकी जन्म कुंडली में दवाइयों का काम करना उचित रहा होगा। बहुत पूरी ग्रह दशाएं तो मुझे याद नहीं है लेकिन ये याद है कि मैंने उनसे काम चेंज करने के लिए मना किया था। उन्होंने पूछा कि सर, मेरा भाग्योदय कब होगा, यानी वो कौन सा टाइम पीरियड होगा जब मेरी किस्मत मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे। तो मैंने उस भाग्योदय वर्ष उनसे बताया तो उन्होंने बोला कि सर, ये तो मेरी उम्र का वो टाइम था जो निकल चुका, यानी मेरा भाग्य अब साथ नहीं देगा मेरा, अब तो ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तब इसी सूत्र की चर्चा मैंने उनसे की थी कि देखिए, एक बार नहीं बल्कि जीवन में कई बार भाग्य साथ देता है। इसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। कुछ वर्ष के बाद जब उनसे दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि सर, अब काम जो है सही चल रहा है और मैंने कर्ज भी चुकता कर दिए हैं और अब अर्निंग वगैरह भी अच्छी हो गई है। तो मेरा माथा ठनका, मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने काम चेंज कर दिया हो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपना काम चेंज किया है? तो वो बोले कि नहीं सर, मैंने काम नहीं चेंज किया, वही मेडिकल स्टोर है, वही मैं हूँ, बस अब ग्राहक ज़्यादा आने लगे हैं। पहले ग्राहक नहीं आते थे, अब ग्राहक आने लगे हैं। दरअसल हुआ क्या था कि जिस एरिया में उन्होंने अपना मेडिकल स्टोर खोला था उस एरिया के आसपास एक नया हॉस्पिटल खुला था और उस हॉस्पिटल के मरीज उनके मेडिकल स्टोर में अब आने लगे थे, इसलिए उनकी स्थिति जो है और अच्छी हो गई। उन्होंने बताया कि सर, अब मैं दूसरा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सोच रहा हूँ। ये घटना आपसे शेयर करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप समझें कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप प्रयास करते रहें और आपको प्रयासों का कोई रिजल्ट ना मिले। एक चांस ऐसा जरूर आएगा जब किस्मत जो है आपका सपोर्ट करेगी, उस चांस को, उस मौके को आपको पकड़ लेना है। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपका जो भाग्योदय वर्ष होगा तो कोई ऐसा टाइम पीरियड होगा कि जिस वर्ष आपका भाग्योदय शुरू होना है, आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे तो नोटों की बारिश हो जाएगी, कोई चमत्कार हो जाएगा, जादू की छड़ी घूम जाएगी, आपको कुछ गड़ा धन मिल जाएगा या अचानक से कोई आपको सामने से आपको कुछ ऑफर दे देगा। अगर ये सब चीज़ें आप सोचते हैं तो बुरा मत मानिएगा, ये सब सोचना खुद को बेवकूफ़ बनाना है कि हमारे साथ कोई चमत्कार होगा। मेहनत के बाद ही भाग्य साथ देता है, नहीं तो जन्म कुंडली में दशम भाव के पीछे नवम भाव को लिखा ना जाता। यानी हमारे जो ज्योतिष के जानकार थे उन्होंने ये समझाने की कोशिश किया कि कर्म के पीछे भाग्य चलता है, ना कि भाग्य के पीछे कर्म। मेरे हिसाब से जो भाग्योदय वर्ष या भाग्योदय का समय होता है वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपको कोई मौका मिलता है, किस्मत आपको कोई मौका देती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस मौके को पकड़ते हैं या उस मौके को इजीली हाथ से चला जाने देते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखिएगा, बड़े बुजुर्ग होंगे या तमाम लोग होंगे जो आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि अरे यार, उस टाइम पे हमको एक मौका मिला था, उस मौके को हमने छोड़ दिया, अगर काश मैंने वो मौका पकड़ लिया होता तो आज मैं किसी और जगह होता। ये वही टाइम हुआ करता है जिस समय किस्मत आपका सपोर्ट करती है। आज का जो विषय है ये है कि भाग्योदय का वर्ष क्या होता है, कैसे ज्ञात करें कि हमारी जन्म कुंडली में जो हमारा भाग्य भाव है या भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा भाग्योदय कब होगा। अब सपोज करिए कि किसी इंसान का भाग्योदय वर्ष निकल चुका, उस इंसान की उम्र है 30 वर्ष और उसका भाग्योदय होना था 22 वर्ष में या 24 वर्ष में। तो अब वो टाइम तो निकल चुका, तो अब या तो हाथ में हाथ रख के इंसान बैठ जाएगा कि अब तो भाग्य मेरा कभी साथ ही नहीं देगा, और या तो कुछ एक दो सूत्र हैं जिनको आप अपनी जन्म कुंडली में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट आपको आपका भाग्य का सपोर्ट कब मिलने वाला है। उसी विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और आज मैंने कोई चार्ट वगैरह नहीं बनाया है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूं, और आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर अपने सामने रख लीजिए। बाकी मैं आपको, अगर कोई कमी होगी तो मैं आपको स्क्रीन में फोटो लगा दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली के नवम भाव को देखिए। अब जिन्हें नहीं पता नवम भाव किसे कहते हैं, तो लग्न से नौवां घर नवम भाव कहलाता है, जहां से भाग्य का विचार करते हैं, और भी चीजों का विचार करते हैं, लेकिन आज बात हो रही है भाग्य की, लक की, आपके फेट की। तो क्या करना है कि भाग्य भाव में देखिए कौन सी राशि लिखी है। अगर भाग्य भाव में एक नंबर लिखा है या आठ नंबर लिखा है तो दोनों ही राशियां मंगल की हैं।
अगर एक नंबर लिखा है तो आपके भाग्य भाव में मेष राशि है, 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि है। दोनों के स्वामी बनते हैं मंगल, तो मंगल आपके भाग्येश हैं और आपका भाग्योदय उम्र के 28वें वर्ष या 28वें वर्ष के बाद होगा। अब देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में एक नंबर या 8 नंबर लिखा है या मंगल खुद बैठे हैं, तो तीनों ही कंडीशन में आपके भाग्येश मंगल है। अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में 2 नंबर लिखा है यानी वृष राशि या 7 नंबर लिखा है तुला राशि या शुक्र खुद भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपके भाग्येश जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपका जो भाग्योदय वर्ष होगा वो होगा उम्र का 25वां वर्ष। कई ज्योतिष के जानकारों ने कहा कि जब शुक्र भाग्य भाव में हो या शुक्र भाग्येश हो तो 2 बार भाग्योदय होता है, एक बार उम्र के 25वें वर्ष और एक बार उम्र के 52वें वर्ष। अगर आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में 3 नंबर लिखा है यानी मिथुन राशि या 6 नंबर लिखा है कन्या राशि या फिर बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, तीनों ही कंडीशन में आपके भाग्य भाव को बुध प्रभावित कर रहे हैं। अगर आपके भाग्येश बुध हैं तो आपकी आपके जीवन में 32वां वर्ष आपका भाग्योदय का वर्ष होगा यानी 32 साल के बाद आप तेजी से ग्रोथ करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर होता है सिंह राशि या आपके भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं, तो आपका जो भाग्य भाव है वो सूर्य से प्रभावित है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के 24वें वर्ष में उसका भाग्योदय होता है। ज्योतिष के कुछ जानकारों ने कहा कि जब सूर्य भाग्येश हो तो 22वें वर्ष भाग्योदय हो जाता है, लेकिन काफी कुछ ज्योतिष के जानकारों ने 24 वर्ष में ज्यादा जोर दिया कि नहीं, 24वें वर्ष में जो है भाग्योदय होता है। तो 24वें वर्ष अगर आपके सूर्य भाग्येश है तो 24वें वर्ष आपका भाग्योदय होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर का मतलब होता है कि आपके भाग्येश जो है चंद्रमा है या भाग्य भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आपका भाग्य चंद्रमा से प्रभावित है। जिनका भाग्य चंद्रमा से प्रभावित होता है ऐसे लोगों का भाग्योदय उम्र के 24वें वर्ष होता है या 24 साल के बाद होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में भाग्य भाव में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर मतलब धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की और 12 नंबर मतलब मीन राशि, दोनों ही राशियां देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हैं या भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय उम्र के 16वें वर्ष हो जाता है। देवगुरु ही इकलौते ऐसे एक ग्रह हैं जो सबसे कम उम्र में भाग्योदय दे देते हैं। इसके अलावा अगर आपके भाग्य भाव में 10 या 11 नंबर लिखा हो या फिर शनि बैठे हों, 10 नंबर मतलब कुंभ राशि शनि की, 11 नंबर मतलब 10 नंबर मतलब मकर राशि शनि की और 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, दोनों शनि की राशि हैं, तो अगर शनि आपके भाग्येश हैं या आपका भाग्य शनि से प्रभावित है तो आपको आपकी उम्र के 36वें वर्ष 36 साल के जब आप हो जाएंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा यानी आपका भाग्य उदय होने लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो राहु और केतु भी आपके भाग्येश हो सकते हैं। अब कैसे पता करें कि राहु और केतु हमारे भाग्येश हैं या नहीं, तो देखिए राहु जो है उनकी इनकी कोई अपनी राशि नहीं होती, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का जो स्वामी होता है उसके तरह एक्ट करने लगते हैं, उनका रूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए कि जैसे आपकी जन्म कुंडली में राहु अगर आपके भाग्येश हैं तो राहु बुध की जो कन्या राशि होती है उस राशि में बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, उस राशि को वो अपना राशि मानते हैं। अगर आपके भाग्य भाव में कन्या राशि बनी है तो अपनी कुंडली में देखिए कि बुध और राहु में से कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है, डिग्री से नक्षत्र से किस ग्रह के ऊपर राहु ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं या बुध ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। अगर राहु ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं तो फिर आपके भाग्य भाव को राहु जो है रूल कर रहे हैं। इसी तरह केतु जो है वो देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में मीन राशि बनी है यानी 12 नंबर लिखा है तो देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ज्यादा मजबूत स्थिति में है या केतु ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अगर केतु ज्यादा मजबूत स्थिति में है तो फिर आपके भाग्य भाव को केतु रूल कर रहे हैं। अब कैसे पता चले कि किसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है, तो उसके लिए बता दिया, अंशबल को देखिए, राशि को देखिए, राशिपति को देखिए, नक्षत्र को देखिए, नवमांश में उस ग्रह की स्थिति को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो ग्रह किस स्थिति में है। ये हो गया एक सिंपल फंडा, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आपका भाग्योदय वर्ष कौन सा है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि एक बार मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके भाग्येश जो है वो चंद्रमा है, भाग्य भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। अब उस व्यक्ति की उम्र जो है वो मान लीजिए कि 26 वर्ष है या 28 वर्ष है। अब वो व्यक्ति से जब बात किया गया, उसको बताया गया कि आपके भाग्येश चंद्रमा है, आपके उम्र के 24वें वर्ष जो है आपका भाग्योदय होगा। सेम यही चीज हुई थी उस व्यक्ति के साथ जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, उनका मेडिकल स्टोर था। जैसे ही मैंने उनके भाग्य भाव के भाग्योदय वर्ष को बताया तो उन्होंने तुरंत बोला कि सर ये टाइम तो निकल चुका है, यानी अब तो भाग्य मेरा सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो टाइम तो निकल गया, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या अब आगे मेरा भाग्य कभी सपोर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। आपके भाग्य भाव में मान लीजिए कि आपके भाग्य भाव में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि यानी मंगल जो है आपके भाग्येश हैं,
ठीक है। अब ये मंगल अगर आपके भाग्येश हैं तो आपका भाग्योदय होना चाहिए उम्र के 28वें वर्ष, जैसा मैंने अभी बताया। अब मान लीजिए कि आपका 28 वर्ष पूरा हो चुका, निकल चुका आपकी उम्र में, 28 वर्ष आपको कोई फायदा नहीं हुआ, या कह लीजिए कि 28वें वर्ष जो आपको मौका मिला वो मौका आप पकड़ नहीं पाए, लेकिन आपके जन्म कुंडली में जो मंगल है मान लीजिए वो बुध की राशि में जाके बैठे हैं, कि बुध की राशि कौन कौन सी, तो मिथुन या फिर कन्या, यानी जहां 3 नंबर लिखा है या तो मंगल वहां बैठे हो, या जहां 6 नंबर लिखा है मंगल वहां बैठे हो, दोनों ही कंडीशन में अब आपका भाग्य दो बार आपका साथ देगा, एक बार जब मंगल का भाग्योदय वर्ष होता है 28 वर्ष, और एक बार जिसकी राशि में जाके ग्रह बैठा है, जिसकी राशि में जाके आपके भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं, उस राशि का जो स्वामी होगा उसका भाग्योदय वर्ष भी दोबारा आपको फिर से एक मौका देगा। यानी 28वें वर्ष भाग्योदय हुआ, अब उम्र के 32वें वर्ष भाग्योदय होगा। यही रीजन था कि वो जो मेडिकल स्टोर वाले जिस व्यक्ति की मैंने कुंडली का अध्ययन किया था, उनका जो उम्र का पड़ाव निकल चुका था, उनके भाग्येश किसी दूसरे ग्रह की राशि में बैठे थे, और जिस दूसरे ग्रह की राशि में बैठे थे उनके भाग्योदय का वर्ष आने वाला था, और यही रीजन था कि आगे चल के उसी भाग्योदय वर्ष में, क्योंकि ये बात मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था, जो दूसरा मौका मुझे मिला मैंने उसमें और मेहनत किया, दुकान के रेनोवेशन में काम किया और तमाम बिंदुओं को नोटिस किया, मेहनत ज़्यादा की, और मैंने देखा कि उसी वर्ष से भाग्य जो है मेरा सपोर्ट करने लगा, वही दुकान जिसको मैं बंद करने के लिए सोच रहा था आज मैं उससे खूब अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, उसी के दम पर मैंने अपने सारे कर्ज भी चुकता कर दिए और अब मैं उसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। तो अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि अगर आपके भाग्य भाव खाली है, भाग्य भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो देखिए कि आपके भाग्येश कहां हैं, किस जगह बैठे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। अब दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वृषभ लग्न में जहां नवम भाव है वहां पे 10 नंबर लिखा होगा। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि का मतलब शनिदेव की राशि। अब शनि अगर आपके भाग्येश हैं तो आपके उम्र के 36वें वर्ष आपका भाग्योदय होगा। तो अब कोई इंसान के शनि भाग्येश हो जाए तो वो सोचे कि यार 36 साल में हमारा भाग्य उदय होगा, 36 साल तक हमारे पास कोई काम ही नहीं है, 36 साल तक हम कुछ भी करें तो हम फेल हो जाएंगे, 36 साल के पहले भाग्य हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। कर्म जो है वो सबसे ऊपर कर्म होता है। जब आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। भाग्य कर्म के पीछे चलता है, कर्म के आगे नहीं चलता। तो पहली चीज तो ये कि भले ही आपके भाग्य भाव की कोई भी स्थिति हो, हमेशा ये सोच के चलिए, पॉजिटिव होके चलिए कि भाग्य भाव हमारा जो है हमें मजबूत करना है, कर्म करना है, कर्म करेंगे तो भाग्य सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे शनि आपके भाग्येश हैं, उम्र के 36वें वर्ष आपका भाग्योदय होना है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 36वें वर्ष ही आपको सफलता मिले। अगर शनि सूर्य की या चंद्रमा की राशि में बैठे हों, भाग्य भाव की जगह जो सूर्य हैं वो मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है और शनि जो है आपके भाग्येश हैं, लेकिन वो वृषभ लग्न में 3रे भाव में जाके बैठ जाएं जहां 4 नंबर लिखा होता है, तो यानी शनि चंद्रमा की राशि में हो गए, अब व्यक्ति का भाग्योदय दो बार होगा, एक बार 24वें वर्ष और एक बार 26वें वर्ष, यानी दो बार किस्मत व्यक्ति का सपोर्ट करेगी। इसी तरह आप भी अपनी कुंडली देखिए कि आपके भाग्य भाव के स्वामी किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। जिस ग्रह की राशि में बैठे होंगे उस ग्रह की राशि का जो राशिपति है उसके अनुसार जो भाग्योदय वर्ष होता है वो आपको एक और मौका देगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरा सूत्र समझ में आ गया होगा कि किस तरह दो बार इंसान का भाग्योदय हो सकता है। तीसरा एक सूत्र और सुनिए। अगर आपके भाग्य भाव में आपके भाग्य भाव के स्वामी अगर पाप ग्रह हो और विशेष तौर पे भाग्य भाव में ही बैठे हों, ऐसे इंसान का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। राहु, स्पेशली केतु और राहु अगर भाग्य भाव से बलि होकर संबंध बना ले, यानी जिस ग्रह की वो राशि में बैठे हैं उस ग्रह के राशि के राशिपति की स्थिति अच्छी हो, राहु या केतु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो और जन्म कुंडली की अन्य ग्रह स्थितियां मजबूत हो, ऐसी स्थिति में भी इंसान का भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। इंसान केवल धर्म का साथ न छोड़े तो उसका भाग्य हमेशा उसका सपोर्ट करता है। एक चीज और, आपके जन्म कुंडली में ये देखिए कि आपके जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं वो ग्रह उनका मित्र है कि उनसे सम है कि उनका दुश्मन है। आप अपने से घटाकर देखिए, अगर आपको आपके दोस्त के घर में बैठा दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपको आपके घर में बैठा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि हर इंसान को अपने घर में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको आपके दुश्मन के घर में बैठा दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे? तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, फिर आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज के टॉपिक का जो मतलब मैं आपको बताना चाहता था, वो ये बताना चाहता था कि भाग्य उदय जीवन में सिर्फ एक बार नहीं कई बार हो सकता है अगर भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति ऐसी हो। इन सब चीजों के साथ एक चीज को हमेशा आपको देख लेना है कि आपके भाग्य भाव का जो स्वामी है वो कितनी डिग्री में है, उसके पास बल कितना है, यानी वो अंदर से कितना मजबूत है। मान लीजिए भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा है लेकिन अंश बल से बेहद कमजोर है, किसी शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा है, स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो लाख वो भाग्य भाव में बैठा हो वो आपको वो रिजल्ट कभी नहीं कर पाएगा जिस रिजल्ट की आप कामना कर रहे हैं।
तो ये चीज आपको देख लेनी है। अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपके भाग्य भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, आपका भाग्योदय वर्ष कौन कौन से हैं, और जो आपके भाग्योदय वर्ष हैं उम्र के उस पड़ाव में बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। कोई भी मौका आपको समय छोड़ना नहीं है, अलर्ट होकर सोचना है कि आपको जिंदगी कौन कौन से मौके दे रही है। और यकीन करिए, आप सिर्फ मेहनत करिए और आप देखेंगे कि उसी भाग्योदय वर्ष में आपके साथ कुछ जबरदस्त अच्छा होगा, और आप उस मौके को अगर पकड़ लिए तो अपने जीवन में आप उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आपके भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, कौन सा आपका लग्न है, भाग्य भाव के स्वामी किस ग्रह की राशि में बैठे हैं और किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।